आगरा आगरा छावनी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर चंद वकील ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान छावनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी कुंवर चंद वकील के साथ में पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार एवं पदाधिकारी और प्रस्तावक मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी कुंवर चंद वकील ने अपनी जीत का भरपूर दावा किया है। दरअसल आपको बताते चले कि आगरा छावनी विधानसभा में कुंवर चंद वकील कोई नया चेहरा नहीं है। इससे पूर्व 2009 में भी कुंवर चंद वकील बीएसपी से आगरा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मगर इस बार समाजवादी पार्टी ने कुंवर चंद वकील को अपना प्रत्याशी बनाकर छावनी विधानसभा में उतारा है। अपनी जीत का दावा करने वाले सपा प्रत्याशी कुंवर चंद वकील ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। छावनी विधानसभा से सपा प्रत्याशी का दावा है कि छावनी विधानसभा से उन्हें जनता का अपार प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि सपा प्रत्याशी कुंवर चंद वकील लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सद्दाम खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। और छावनी विधानसभा के अंदर बहुत सारा हमारे होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवस्था को लेकर बहुत लोग कोरोना काल में आपने देखा बिल्कुल मामला सुनसान हो गया। सरकार चाहती तो इनके बिजली के बिल माफ कर सकती थी। नगर निगम की अंदर है ना माफ कर सकती थी। लगभग 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। साथ में आगरा की बड़ी एक समस्या और भी है, खंडपीठ की व्यवस्था लंबे समय से मांग हो रही है, जबकि आगरा में एक ही पार्टी के मेयर साहब और विधायक सांसद राष्ट्रवादी हो गए। अपनी नजर आ रही विधानसभा चुनाव की प्राथमिकता क्या रहने वाली है समाजवादी पार्टी की? नॉमिनेशन क्यों नहीं है? सहूलियत के अनुसार आज हमारी छावनी विधानसभा के हमारे भाई क्वेश्चन वकील साहब ने किया है, कल हमारे गौरव गौतम दक्षिण का होगा। बहुत जल्दी जैसे जैसे आदमी अपने मुहूर्त के हिसाब से करता है और हम निश्चित तौर से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार आगरा की जनता समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगी, प्यार करेगी, अपना आशीर्वाद देगी और हम जल्द से जल्द सीटें आगरा शहर से जिले में हम लोग जीतने का काम करेंगे। मुकाबला किससे लग रहा है इस बार चुनाव में? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के विकास कार्य जो उन्होंने घोषणा 2012 में की जिस तरीके से पूरी की, उसी तरीके से इस बार जिस तरीके से जनता से वादे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, निश्चित तौर से हमें पूरा भरोसा है जनता में कि जनता अपना लाड प्यार आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को देने का काम करेगी और हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम। भाजपा प्रत्याशियों को लेकर के कई जगह लापता के पोस्टर चस्पा किए हैं जनता ने, तो क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? अरे रोष है ये लोग, सिर्फ ये इनका विकास से नाता नहीं। आप देखिए सांसद विधायक मेयर का लोगों ने कॉलोनियों में मोहल्लों में बैनर लगा दिए फोटो के कि इन लोगों की एंट्री बैन है, तो जनता आपके हकीकत में खदेड़ा करेगी।